हेलो किड्स, आई रितिका शर्मा, टीचर ऑफ एम्बी इंटरनेशनल स्कूल, नया गांव कोटा. सो टुडे वी विल रीड अ पोम विच नेम इज अ स्पेशल हॉलीडे. इट्स अ चैप्टर 9 इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक. सो किड्स, लेट्स स्टार्ट द पोम विच नेम इज अ स्पेशल हॉलीडे. वॉट आर द प्लेसेज यू ड्रीम ऑफ विजिटिंग इफ यू हैड अ मैजिक वैन टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? वॉट काइंड ऑफ हॉलीडे वुड यू विश फॉर? सो बेसिकली स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज अ दिस पोम इज अ इमेजिनरी पोएम पोम. ओके, इन दिस चैप्टर, इन दिस पोम राइटर लाइक राइटर वॉन्ट्स टू डू डू दीज काइंड ऑफ थिंग. लाइक ही वॉन्ट्स टू गो ऑन अ हॉलीडे लाइक टिम्बकटू. ही वॉन्ट्स टू रेसलिंग विद अ जागवार. ही बॉक्स्ड, ही वॉन्ट्स टू बॉक्स, ही वॉन्ट्स टू फाइट विद अ कंगारू. एंड लाइक he wants to complete his dreams. okay, जहाँ पे मतलब बहुत ही imaginary poem है, but बहुत ही अच्छी, बहुत ही adventurous poem है. इसमें वो बहुत ही ज़्यादा adventure करना चाहता है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दिखाना चाहता है कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ. so let's start. holiday memories. When I was on holiday, I went to Timbuktu. So now the poet is saying that when he was on holiday, he went to Timbuktu. What he did there? I wrestled with a jaguar. He fought with a jaguar and boxed with a kangaroo and he hit the kangaroo. उन्होंने क्या किया? वो जागुआर से भी लड़े वहाँ पे and उन्होंने वहाँ पे kangaroo से भी fighting की. So it's like an imaginary poem. We can't fight with animals. Okay? I journeyed into a jungles. I swam the deepest sea. So what he is saying कि वो jungles में भी गए. He travelled in jungles and he swam in the deepest sea. सबसे गहरे जो seas होते हैं वो उनमें भी उन्होंने swimming किया. I climbed the highest mountain. He climbed the highest mountain. सबसे जो ऊँचे ऊँचे बड़े बड़े जो mountains होते हैं, he climbed it. And the monkey puzzled tree. I chatted to a seagull. He communicated with a seagull. I met a big baboon. Baboon is what? Baboon is a big monkey. I floated on a moonbeam until I reached the moon. He was saying that he floated on a moonbeam. Moonbeam, what is moonbeam? Moonbeam is like कि जो मून का जो रोशनी होता है, अ रे ऑफ अ मून, वी कैन से इट, अंटिल आई रीच द मून. सो उन्होंने, सो द व्हाट इज द पॉइंट इज सेइंग कि वो जो मून की जो रे होती है उस पर से वो फ्लोट करके मून तक पहुंचे. आई विजिटेड द प्लैनेट्स. आई लिट अप ऑल द स्टार्स. आई गॉसिप टू अ पैरट ट्रैवलिंग टू अ मार्स. नाउ ही इज सेइंग दैट ही विजिटेड टू मैनी मैनी प्लैनेट्स और स्टार्स. And he gossiped to a parrot. He was communicating with a parrot traveling to a Mars. Mars की तरफ travel करते हुए उन्होंने अपने साथ जो parrot था उसके साथ भी उसने gossip किया. I sailed across the ocean. I drove a greyhound bus. So वो क्या कह रहे हैं कि वो ocean पर भी गए and I drove a greyhound bus. Greyhound bus, what is greyhound bus? Like this, a small ship we can say. सो उन्होंने ग्रे हॉर्न बस जो था उस पर भी ड्राइव किया. आई रोड अक्रॉस द डेजर्ट ऑन हिपोपोटामस. ही वॉज सेइंग दैट ही रोड ऑन ही टेक अ राइड ऑन अ हिपोपोटामस अक्रॉस द डेजर्ट. डेजर्ट के पास जाने के लिए या फिर डेजर्ट पर जाने के लिए उन्होंने क्या किया, हिपोपोटामस पर राइड लिया. ठीक है. आई हर्ड अ मर्मेड सिंगिंग. ही वॉज सेइंग दैट ही हर्ड अ मर्मेड सिंगिंग. उन्होंने ये देखा कि जो मर्मेड है वो सिंगिंग कर रही है. आई फॉट अ किलर शार्क. ही इज सेइंग दैट ही फॉट अ किलर शार्क. उन्होंने एक जो शार्क होती है उससे भी लड़ाई किया. आई ग्रैपल्ड विद अ ग्रीजली. तो कह इन अ वाइल्ड सफारी पार्क. ही वॉज सेइंग दैट इन अ वाइल्ड सफारी पार्क. वॉट इज सफारी पार्क? सफारी पार्क इज अ प्लेस वेयर द वाइल्ड एनिमल्स मूव अराउंड फ्रीली. जहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो एकदम फ्रीली विजिट करते हैं, घूम लेते हैं, इधर उधर घूमते हैं, रोम करते हैं. So what he is saying, I grappled with a grizzly in a wild safari park. So he is saying that wild safari park में उन्होंने जो एक बड़ा सा जो बेयर था उसको ग्रैप कर लिया था, एकदम पकड़ लिया था.
I chased a band of a pirates completely round the band, and now the summer's over and so is this the end. He is saying that wo pirates ke piche bhi bhage and completely round the band and now the summer is over. Or he is saying ki sari unki jo imagination hai, dreams hai, wo khatam hote hain because the summer has summer is over, kyunki ab jo jo unki holidays thi wo bhi khatam ho chuki hai. So here's the end of your beautiful chapter. Thank you.